नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे वीडियो में देख लीजिए पौधे, गुलाब के पौधे हैं। प्राय हर कोई है ना इसे जानते हैं, हर किसी के घरों के आसपास में मिल जाते हैं। प्राय गार्डन में बहुत से लोग लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका औषधि उपचार बताने वाला हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुलाब का पौधा इसे हम रोज तो देखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बहुत से लोग देखते हैं और ये सोचते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे तो हम डेली के देखते हैं, तो इसे हमें वीडियो देखने की क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ा आप नुकसान करते हैं। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी आप जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से लेते हैं, वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई भी जानकारी होती है ना, वो बाद में चल करके काम आती ही आती है। कभी भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक के जरूर देखें, क्योंकि ये गुलाब हैं, इसमें बहुत सारा औषधि गुण छुपा होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गुलाब की तरह बहुत सारे ऐसा पेड़ पौधा होता है जिसमें औषधि गुण छुपा होता है, लेकिन हमें उनके औषधि गुण को पहचानना नहीं आता, इसलिए हम दोस्तों इनके मिलने वाले फायदे से अनजान रहते हैं। साधारण तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये गुलाब में औषधि गुण कुट कुट कर भरे हुए हैं। जी हाँ, आयुर्वेद में भी इसे दोस्तों महान औषधि, दिव्य औषधि के रूप में रखा गया है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने इसकी प्रशंसा की है। यो नहीं किया है क्योंकि इसमें औषधि गुण छुपा हुआ है, इसलिए की है। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में इसके औषधि गुणों की चर्चा करूंगा, बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई परेशानी, कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमें hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन रहने पर मेरे या मेरे टीम के द्वारा आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। सबसे तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुलाब से काफी खुशबू आता है, इसलिए दोस्तों ये मुंह संबंधी विकार को ठीक करने का काम करता है। ये 4 मिनट का वीडियो आपको जिंदगी भर काम आएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इसके फूलों का अगर हिम बना करके, कढ़ा बना करके गरार किया जाए तो मुंह के सूजन है, सांस के बदबू है, गले के दर्द है, इसमें काफी आराम मिलता है। टीबी के इलाज में प्राचीन समय में इसका प्रयोग होता था। गुलाब के फूलों का प्रयोग फेफड़ा की बीमारी जैसे टीबी है, इसमें प्रयोग होता है। तो क्या करना होता है, इसका काढ़ा बना करके आपको पीना होता है, इससे टीबी की बीमारी ठीक होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये लिकोरिया की बीमारी में, जिसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, इसमें काफ़ी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। और लिकोरिया की बीमारी के कारण अधिकांश महिलाएं सफ़ेद पानी की समस्या के कारण सुस्त पड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो गुलाब के फूलों को पीस करके योनि पे लगाने से प्रदर रोग में यानी कि लिकोरिया में लाभ मिलता है और लिकोरिया की बीमारी ठीक हो जाती है। और ये भी देखा जाता है, अगर इसके जड़ों को पीस करके घाव पर लगाया जाए, कितने भी पुराने घाव हो, पुराने घाव भी ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग, कितने भी पुराने कुष्ठ रोग की बीमारी हो, बहुत से लोगों में चेचक आ जाते हैं, तो चेचक के जो दाग रहते हैं ठीक नहीं होते, काफ़ी दर्द बना रहता है, तो इसके फूलों को सुखा करके चूर्ण बना ले, पाउडर बना ले, और इसके पाउडर में आपको थोड़ा सा मधुरस और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके चेचक पर लगाने से चेचक के घाव जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी आराम मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसका अंतिम फायदा बता रहा हूँ। अंतिम फायदा कुछ इस प्रकार से है, बिच्छू के काटने पर। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगेगा कि बिच्छू के काटने पर हम क्या करें, कैसा करें, परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बिच्छू से कैसा ठीक करते हैं। तो लाल गुलाब के फूलों को पीस करके दंश स्थान पर, है ना, लाल गुलाब होना चाहिए इसमें, अन्य कलर की नहीं लेना है। तो लाल कलर के गुलाब के फूलों को पीस करके दंश स्थान पर, बिच्छू ने जहाँ पे काटा है वहाँ पे लगाने से बिल्कुल ही दंश में काफ़ी राहत मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। धन्यवाद।